हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बेबी एंड यू एंड आई एम योर होस्ट पूनम सिकरवार। आज का यह वीडियो उन लेडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने 9th मंथ में पहुंच चुकी हैं और अपने बच्चे से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं। देखिए लेडीज़, 9th मंथ में आपको बच्चे से मिलने की एक्साइटमेंट तो होती है, लेकिन आपको 9th मंथ में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है, बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने होते हैं और कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो अगर आपके साथ होती है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। एक तो ये कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जो अगर आपके साथ हों तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाएं, एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको जो पेन हो रहा है वो लेबर पेन हो रहा है। देखिए, जो लेडीज़ फर्स्ट टाइम मॉम बनती हैं उनको नॉर्मल पेन और लेबर पेन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आता है, क्योंकि जब मैं भी माँ बनी थी फर्स्ट टाइम तो मुझे भी पता नहीं चल पा रहा था कि कौन सा पेन हो रहा है मुझे। तो आज मैं आपको लेबर पेन के कुछ सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी। ये लेबर पेन नॉर्मल पेन से कैसे अलग होता है, ये डिफरेंस मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आज आप ये वीडियो पूरा देखना, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए अब मैं आपको ऐसी सिचुएशंस के बारे में बताती हूँ जिनके होने पर आपको हॉस्पिटल तुरंत चले जाना चाहिए। ये 5 सिचुएशंस मैं आपको बताने वाली हूँ और इनको आप ध्यान रखना जब आप 9th मंथ में होती हो उस टाइम पे। तो जो फर्स्ट सिचुएशन है वो ये है कि अगर आपका वाटर जो है वो खुद ही लीक होने लग जाता है तो आपको हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारा जो बच्चा है वो एक तरल पदार्थ के अंदर होता है, और अगर ये वाटर जो है वो खुद ही आउट हो जाता है, खुद ही लीक हो जाता है, तो ये बच्चे के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बच्चे को इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रह जाते हैं, इसलिए आपको 24 घंटे के अंदर हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी होता है और हॉस्पिटल में जाके अपना बच्चा आउट करवाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वाटर लीक हो रहा है या नहीं। वाटर लीक ऐसे होता है कि जैसे अगर आप खड़े भी है तो भी आपको वाटर आउट होता हुआ दिखेगा, और इसका कलर बिल्कुल आपके यूरिन की कलर की तरह होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। अगर इस टाइप का वाटर अगर आपकी बॉडी से निकल रहा है खड़े होने के बाद भी, तो इसका मतलब है कि आपका वाटर लीक हो गया है और आपको हॉस्पिटल तुरंत चले जाना चाहिए। जो सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि अगर आपको दर्द हो रहे हैं या फिर नहीं भी हो रहे हैं और आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है 9th मंथ में, तो भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, और ऐसी सिचुएशन में भी आपको हॉस्पिटल तुरंत चले जाना चाहिए, जिससे कि डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग आपके देख सकें कि अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों ब्लीडिंग हो रही है। देन इसके बाद जो थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि अगर आपके बच्चे की मूवमेंट नहीं हो रही है तो भी आपको हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे ज़्यादा बच्चे की मूवमेंट पता चलती है जब हम लोग लेटे हुए रहते हैं, उस टाइम पे हमारा बच्चा मूव करता है, या फिर हम लोग जब खाना खाते हैं, जैसे हमने अपना लंच किया, डिनर किया, उसके 1 घंटे बाद बच्चा ज़रूर मूव करता है। तो 9th मंथ में या फिर थ्रू आउट प्रेगनेंसी में कहें कि आपको अपने बच्चे की मूवमेंट जो है वो मेज़र करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका बच्चा मूव नहीं कर रहा है, 1 दिन हो गया है और वो मूव नहीं कर रहा है, या फिर नॉर्मल मूवमेंट से बहुत कम मूव कर रहा है, तो भी आपको हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी होता है। जो फोर्थ थिंग आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके पेन स्टार्ट हो गए हैं लेकिन अगर वो पेन बढ़ नहीं रहे हैं, मतलब कि धीरे धीरे 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, लेकिन पेन बढ़ नहीं रहे हैं, तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है। क्योंकि आजकल ज़्यादातर लेडीज़ के साथ ये सिनेरियो होता है कि उनको आर्टिफिशियल इंजेक्शन्स लगाने पड़ते हैं पेन के, तभी जाके उनका पेन इंक्रीज़ होता है। एंड जो फिफ्थ थिंग है कि अगर आपका 9th मंथ पार हो गया है और उसके बाद भी आपको पेन स्टार्ट नहीं हुए हैं और 10th मंथ लग चुका है, तो भी आपको डॉक्टर के पास एक बार विजिट कर लेना चाहिए। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के देख लेते हैं कि बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे 9-9.25 महीने तक आ ही जाते हैं, लेकिन अगर बहुत टाइम निकल गया और आपका बच्चा नहीं हो रहा है, आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, तो भी आपको हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी होता है।
अब हम बात कर लेते हैं कि जो लेडीज फर्स्ट टाइम मॉम बनने वाली हैं उनको कैसे पता चलेगा कि उनको जो पेन हो रहा है वो लेबर पेन हो रहा है या फिर नॉर्मल पेन हो रहा है। देखिए, लेबर पेन के कुछ सिम्टम्स होते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ, और अगर यही सिम्टम्स आप फेस करती हो तो आप समझ जाना कि आपको लेबर पेन हो रहे हैं। तो फर्स्ट सिम्टम तो ये है कि लेबर पेन जो होता है वो डिक्टो हमारे पीरियड वाले पेन की तरह होता है। जो सेकेंड सिम्टम है वो ये है कि लेबर पेन जो होता है वो हमेशा आपकी पीठ की तरफ से स्टार्ट होगा और आगे पेट की तरफ आता है, और इसमें आपका जो पेट है वो हल्का सा टाइट हो जाता है। जो थर्ड सिम्टम है वो ये है कि लेबर पेन जो है वो रुक रुक के आता है, कभी भी आपको कंटिन्यू नहीं आएगा। शुरुआत में ये 30 से 40 सेकंड के बीच में, या फिर थोड़ा टाइम और बढ़ेगा तो 1 से 2 मिनट के बीच में आ सकता है। तो ये रुक रुक के आने वाला पेन जो होता है ये लेबर पेन होता है। एंड जो फोर्थ सिम्टम है वो ये है कि लेबर पेन हमेशा आपके इंटरवल्स में आते हैं। जैसे जब आपको लेबर पेन शुरुआत होगी तो आपको 4-4, 5-5 घंटे बाद भी ये स्टार्ट हो सकता है, और उसके बाद जैसे जैसे आपका लेबर प्रोग्रेस करता है तो ये 4 घंटे से 2 घंटे पे, 2 घंटे से फिर 1 घंटे पे, फिर उसके बाद आपको 15 मिनट पे, फिर 10 मिनट पे, ऐसे ये पेन प्रोग्रेस करता है। तो जब आपको 10-10 मिनट में 2-2, 3-3 बार पेन आने लगे तो इसका मतलब ये लेबर पेन ही है। और जब आपको 10 मिनट पे ये पेन आना स्टार्ट हो जाते हैं तो ये सबसे सही टाइम होता है हॉस्पिटल जाने का, क्योंकि अगर आपके पेन जो हैं वो 4-4 घंटे पे आ रहे हो और तब अगर आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हो तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बार बार फिंगर डाल के आपकी बच्चेदानी के मुंह को चेक करते हैं कि कितनी ओपनिंग हुई है, और वो बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है। तो अगर आप मेरी माने तो आपको हॉस्पिटल तभी जाना चाहिए जब आपका पेन जो है वो हर 10-10 मिनट के इंटरवल में आ रहा है, वो सबसे सही टाइम होता है हॉस्पिटल जाने का। तो आज मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है कि लेबर पेन क्या होता है, एंड सेकेंड आपको हॉस्पिटल कब चले जाना चाहिए। तो आप इन चीजों का जरूर ध्यान रखें, और अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें। मैं इस चैनल पर प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस लाने वाली हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। मैं बहुत जल्दी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर्स एंड बाय बाय।